डायसन के नए हेडफोन्स ओन ट्रैक के नाम से मार्केट में आ चुके हैं। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही आपको डिज़ाइन बताएंगे, साउंड क्वालिटी बताएंगे एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कंपनी ने क्या क्या नया इनोवेशन किया है, सब चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है। जैसा आप देख सकते हैं डिज़ाइन पर डायसन ने सबसे ज़्यादा इसके काम किया है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कोई हेडफोन्स खरीदने जाते हैं तो उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यही वजह है कि इसमें डायसन ने 40mm ड्राइवर्स का यूज़ किया है। कनेक्टिविटी को ईजी करने के लिए माई डायसन ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे स्मार्टफोन से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस हेडफोन्स में स्पेशली देखने को मिलता है, वो है कि आमतौर पर देखा जाता है जब भी कोई कंपनी हेडफोन्स लाती है तो उसकी बैटरी यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें ग्रिप ज़्यादा अच्छी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। इस प्रॉब्लम को कंपनी ने दूर किया है, जिसकी जो यहाँ पे बैंड है उसमें आपको बैटरी देखने को मिलती है। एक बैटरी इधर की साइड है एंड द सेकेंड जो बैटरी है वो इधर है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। वन टाइम में आपको 55 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, यानी लगातार जो आप मूवी देखेंगे, कोई सॉन्ग सुनेंगे तो आपको 55 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें कुशन्स, जैसा आप ये देख रहे हैं हमारे पास जो कलर आया है इसमें कुशन्स नेवी ब्लू कलर के हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एसेसरीज की तरह कंपनी से खरीद सकते हैं और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो बताते हैं कैसे। बहुत सिंपल तरीका है जिसकी मदद से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद जब कुशन आप दूसरे कलर का भी देखना चाहेंगे जिसमें आपको ऑरेंज, येलो, ऐसी आपको वैरायटी ऑफ कलर्स मिलते हैं, और आप उसको इसमें फिट कर सकते हैं, जिसके बाद ये पूरी तरीके से आपके पसंदीदा कलर का हो सकता है, कपड़ों के साथ मैच कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका बैक पैनल, यानी जो हेडफोन्स हैं वहाँ पर आप देखते हैं तो ये डिज़ाइन भी आप रिमूव करके अपने हिसाब से इसको पूरा सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है नॉइज़ कैंसिलेशन। ANC बहुत ज़्यादा कंपनी प्रमोट भी कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि ANC का मतलब है कि जो बाहर की नॉइज़ है वो आपके कानों तक नहीं पहुँचेंगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इसमें स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है। हेडफोन्स को पहनने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टैप करेंगे जब आप राइट हैंड साइड में, तो ANC एक्टिवेट हो जाएगा। और ANC के अलावा भी आप चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपको टच के साथ, यानी सेंसर एक्सेसिबिलिटी के साथ क्या फ़ीचर चाहिए। यानी अगर आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर आप वर्कआउट कर रहे हैं, स्मार्टफोन आपके पास नहीं, आपको ANC एक्टिवेट करना है, कॉल पिक करनी है, कुछ भी चीज़ करनी है, तो आप उस हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और वन टच के साथ, यानी आप डबल टैप करेंगे तो उसके बाद वो फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो है कि जो कंपनी ने इसके सेंसर्स के साथ काम किया है वो एक्सट्रीम लेवल है। एक्सट्रीम लेवल क्यों है, क्योंकि हेडफोन जब भी हम यूज़ करते हैं, जब हम प्रीमियम रेंज में जाते हैं तो सीधा हेडफोन का कंपैरिजन किससे होता है, एप्पल एयरपोड्स मैक्स से। 60,000 की प्राइस रेंज में वो आते हैं, लेकिन अगर आप उसी क्वालिटी में कोई चीप हेडफोन्स खरीदना चाहते हैं, यानी कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो डायसन का ये नया प्रोडक्ट बहुत अच्छा ऑप्शन साबित होने वाला है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हेडफोन्स के अंदर ही आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखने को मिलता है। इसके अलावा लाइट वेट है, उसके बावजूद भी जब आप इसको पहनेंगे, जैसा हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि बैटरी को लेकर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, उसके साथ बताते हैं कैसे। अगर आप हेडफोन्स को यूज़ करते हैं, यानी जब आप लगातार यूज़ करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर जो आपको स्पीकर्स दिए गए, रनिंग करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो स्लिप करने पड़ते हैं। यानी अगर आपके यहाँ पे बैटरी मिलती है तो उसके बाद ये पूरी तरह फ्री होने वाला है, जैसा आप देख भी सकते हैं। लगातार रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स करते हैं, या आपका कोई भी ऐसा है कि आप वॉक करते हैं, मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो ये हेडफोन्स इस लिहाज से बहुत बेटर ऑप्शन साबित होते हैं कि इसकी ग्रिप ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए आपको नीचे बटन दिया गया है, पावर बटन है, जिसकी मदद से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट आपको नीचे ही देखने को मिलता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। चार्जिंग कोड भी कंपनी की तरफ से आपको दी जाती है, जिसके साथ आप एडाप्टर अलग से खरीद सकते हैं या स्मार्टफोन के अडाप्टर से इसे चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें जो है अलग अलग सेंसर देखने को मिलते हैं, ये नीचे सेंसर्स हैं। कॉलिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित होता है, अगर आप लगातार कॉलिंग भी करेंगे तो भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर हम इसके सबसे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, जो हमें लगा है वो इसका यही लगा है कि इस हेडफोन्स की ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा हमने आपको पहले ही बोला था, साउंड क्वालिटी को लेकर के आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और डिज़ाइन तो आप देख ही चुके हैं, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है।
आपको अनबॉक्सिंग वीडियो कैसा लगा, हेडफोन्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें।